Assalamualaikum guys, question है differentiate करना है with respect to x. So सबसे पहले काम करेंगे जो भी चीज given है उसको y के equal कर लेना है. याद रहेगा sin inverse 1 minus x square under root. It means to say हमें find out करना है dy by dx. इसको differentiate कर देते हैं with respect to x. Both sides. So याद रहेगा dy by dx. Is equals to d by dx. पहले एक बार ये लिख लेते हैं and then the next step में जो भी sin inverse के derivative का जो भी rule है वो उस पे apply कर देंगे. और वो क्या है यहाँ पे मैं mention कर देता हूँ. d by dx sin inverse x is equals to 1 divided by 1 minus x square under root और derivative यहाँ पे जो भी चीज पड़ेगी यहाँ पे x है तो इधर आ जाएगा x का derivative. So same rule इधर apply करते हैं. तो यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस उधर x था तो x के हिसाब से था लेकिन यहां पे x की जगह उधर x था तो यहां पे क्या चीज पड़ेगी x की जगह 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट. तो यहां पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर की जगह 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर और ये आ जाएगा होल अंडर रूट इनटू डेरिवेटिव यहां पे जो भी चीज पड़ी है वो है 1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट. So next आगे यहाँ पे क्या ये square इस under root को cancel out कर देगा. Simplify इसको अब आगे करते हो तो यह रहेगा 1 minus bracket का use करना है 1 minus x square under root derivative इसका ले लेते हैं तो क्या लग जाएगा power वो लग जाएगा radical form में लिखा हुआ है तो it means उसे इसकी power क्या होगी 1 by 2. तो power पहले power में से एक कम into derivative इसकी base का तो base इसकी क्या है 1 minus x square है is equals to 1 divided by नीचे brackets open करेंगे तो यह रहेगा minus sign अंदर change हो जाएंगे under root 1 by 2 1 minus x square power simplify करोगे तो यह रहेगा minus 1 by 2 और derivative इसके base का जो लेना है तो वो क्या रहेगा 1 का derivative क्या होगा 0 x square का derivative हो जाएगा 2x bracket close So, dy by dx is equals to नीचे simplify करते हैं तो यह आएगा 1 1 से cancel हो जाएगा सिर्फ x square रह जाएगा और ये x square under root cancel out हो जाएंगे. Next आगे चलते हैं 1 by 2 यहाँ पे इसकी power है negative ठीक है इसको नीचे लेके आएंगे तो power इसकी positive हो जाएगी और 1 by 2 है तो radical form में directly हम इसे लिख सकते हैं तो यह आएगा 1 minus x square अंडर रूट और रिमेनिंग जो चीज रह गई थी यहां पे क्या है वो है माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज यहां पे ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस एंड स्टार्ट में ले आएंगे और यहां पे जो x है ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमेनिंग ओवरऑल आफ्टर कटिंग हमारे पास क्या चीज ऊपर बच जाएगी जस्ट 1 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर अंडर रूट दैट्स इट. तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट dy / dx का. So I hope ये clear होगा. Still अगर कहीं भी confusion है किसी भी तरह की basic से basic level की अगर कोई issue है तो no problem without any hesitation जो भी problems हैं साथ साथ share करते रहो ताकि साथ साथ मैं आप लोगों के problems को resolve करता जो इंशाल्लाह तो आप next video मिलते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखो अल्लाह हाफिज़.